आज आप लोगों ने मेरा जन्म दिवस मनाने की इच्छा प्रकट की थी। अब मेरे कम से कम 4 या 5 जन्म दिवस मनाने वाले हैं लोग। इतने जन्म दिवस मनाइएगा उतने साल बढ़ते जाएंगे उम्र के। लेकिन आपकी इच्छा सामने मैंने मान लिया, जिसमें आपको आनंद होता है, आनंद मिलता है तो ठीक है। लेकिन ऐसे दिवस हमेशा आते हैं, उसमें एक कोई कभी नई चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि हम सहयोगी हैं, प्रगतिशील हैं और हमेशा एक नई सीढ़ी पर चढ़ने का ये बड़ा अच्छा मौका है। सहयोग में जो आज स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। जबकि हम देश की हालत देखते हैं आज, तो लगता है कि सहयोग एक स्वर्ग हमने हिंदुस्तान में खड़ा है। और इसकी जो हमारी एक साधना है, इसमें जो हम समाये में इसका जो हम आनंद उठा रहे हैं, वो एक स्थिति पर पहुंच गया है और इसका आधार बहुत बड़ा है। इसका आधार है कि आपने अपनी शुद्धता को प्राप्त किया, अपने शांति को प्राप्त किया और अपने आनंद को प्राप्त किया। यह आपकी विशेष स्थिति है जो और में नहीं पाई जाती, और इसको सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यह कोई विशेष लोग है और उन्होंने कोई कभी विशेष जीवन प्राप्त किया। मैं जहां भी जाती हूँ और जगह, लोग मुझसे बताते हैं कि हम एक सहयोगी में जाते हैं, वो बहुत नेक आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, उनका जीवन एकदम परिवर्तित हो गया और उन्होंने पूर्णतया समर्पित कर दिया और उनका सारा कारोबार बहुत अच्छे से चलता है। उनका कुटुंब भी बहुत सुखी है, सब तरह से वो एक आनंदमय वातावरण में रहते हैं। ऐसा दूसरे लोग भी करते हैं और फिर कहते हैं कि माँ हमें भी आप बताइए। मैं कहती हूँ आओ हमारे मंदिर में आओ, सहयोग में आओ, लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो। और आप सब लोगों ने जिस तरह से सहयोग को अपनाया है और बढ़ाया है, एक कमाल की चीज है। लेकिन इसको एक बात जान लेनी चाहिए कि हमारे पास जो विशेष शक्तियां हैं वो आज तक किसी के पास नहीं, आज तक कोई भी कुंडलिनी का जागरण इतने आसानी से नहीं कर सकता, कोई भी चक्रों का निदान लगा नहीं सकता। ये किसी को मालूम नहीं कि उंगलियों पे आप चक्र जान सकते, आज तक इतनी शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा। किसी ऋषि मुनि किसी ने बात नहीं बताई कि आप उंगलियों पे निदान बता सकते हैं चक्रों का। चक्रों तक बात करी है, सहस्त्रार्थ पर भी बहुत कम लोगों ने बात करी। आप लोग इतने सूक्ष्म ज्ञान को इतनी आसानी से प्राप्त कर गए क्योंकि आपने इस पर बहुत ध्यान दिया और आत्मा के प्रकाश में इस सूक्ष्म ज्ञान को आपने प्राप्त कर लिया। अब आप सहयोग बढ़ाने और सहयोग के जो नियम है उनमें आप बहुत ही सहजता से आ गए, किसी को इसमें मैंने रुकावट करते हुए देखा नहीं, किसी ने इस पे मुझसे वाद विवाद नहीं किया।
और आसानी से सब बातों को मान गया। जैसे कि मैंने कहा कि हम बाह्य के धर्म जाति आदि भेद को नहीं मानते, अभेद को मानते हैं। हम सब एक परमात्मा के अंश है और उस अंश को, उस विराट स्वरूप को जानना चाहिए, उसमें जागरूक होना चाहिए। और ये जो बाह्य में विकृतियां आ गई हैं, उनको छोड़ करके अंतरतम में हमें अपनी एकता जाननी चाहिए। और धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि सब लोगों में इसका आनंद आने लगा। यही आनंद है जो आपको यहाँ खींच कर लाता है, और हर बार आप कहते हैं कि ये आनंद हम दूसरों से भी बांट रहा है। जैसा एक शराबी अकेले शराब नहीं पी सकता, उसी प्रकार आप लोग भी अकेले इस आनंद को नहीं उठा सकते। तो अगर एक आदमी सहयोग में आ गया, उसके सारे रिश्तेदार सहयोग में आने चाहिए, उसके सब मिलने वाले आने चाहिए, उसके सब दोस्त आने चाहिए, वो सबको सहयोग उठाते रहे। तो पहला प्रलोभन तो शारीरिक होता है, शरीर की व्यथा दूर हो गई, मानसिक व्यथाएं दूर हो गई और आपसे रिश्ते ठीक हो गए, आपस में मेलजोल भर गया, बच्चे ठीक से चलने लगे, हर तरह की आपकी प्रगति हो गई, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी की भी कृपा। और हर पल हर घड़ी आप देखते हैं कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं और परमात्मा आपकी मदद कर रहे हैं। इतने चमत्कार हो गए इसमें युग में कि उनको लिख कर निकालने की किसी की हिम्मत नहीं होती। वो कहते हैं पहले आप छान बीच में से जो आप सोचते लिखने वाला लिखे नहीं, तो ये तो जाने कितने गर्व होता है। सामाजिक स्तर पे हम लोगों ने बहुत उन्नति, इसमें कोई शक नहीं, और धर्म में भी हम लोग जम रहे हैं। देखिए हमारे अंदर आ गई है, प्यार आ गया है और हम सच्चाई को बहुत कुछ चीज मानते हैं और उस पर चलते हैं, सिर्फ बोलते नहीं लेकिन हमारे जीवन में ये सच्चाई आ गई। ये बहुत बड़ी बात है। आपस में मैंने देखा है, खासकर सहयोग में कोई पैसा रखा नहीं खाता। सहयोग के लिए कुछ रुपया दीजिए, पैसा दीजिए, तो कोई पैसा नहीं खाता। लोग बहुत से कहते हैं कि माँ ये भगवान से डरते हैं इसलिए पैसा नहीं खाते, किंतु मैं सोचती हूँ कि सहयोग में एक तरह का समर्थ बनना अपने आप घटित होता है। समर्थ सम माने आप अपने को उसके साथ अर्थ बनना, जो आप इंसान है वो दस धर्म जो एक इंसान में बचे हुए हैं जागरूक हो जाते हैं और मनुष्य समर्थ हो जाता है। उसको अपने गुण जो है, अपने वर्चुज है, वो अच्छे लगने लग जाते, उसी में उसको मजा आता है और दुर्गुण से वो भागता है। अगर कोई दुर्गुणी दिखता है तो या तो उसे भागता है या शांतता पूर्वक कोशिश करता है, किसी तरह से चुपचाप कभी कभी कोशिश करता है इस आदमी के दुर्गुण निकल जाए, और वो दुर्गुण निकालने की भी उसको तौर तरीके मालूम है, उसे वो इस्तेमाल करता है और बहुत बार यशस्वी हो जाता है, उसमें यश पा लेता है। इसी प्रकार आपने देखा है कि कला में भी बहुत कुछ सहयोग में कार्य किया, बहुत से कलाकारों में एक नया आयाम आ गया है, नई दिशा आ गई है। और यही नहीं, पर प्रदेश में भी मैंने देखा है कि कलाकार हर तरह से नई नई बातें सोचने लगे हैं। बहुत से पेंटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस सब में एक नया उत्साह, एक नई धारणा, एक नया विचार प्रगटित होता। यह सब हो गया, समाज के प्रश्न भी बहुत से कुछ हल हो गए हैं और आप लोगों के जो
छोटे छोटे